चैनल कुकविद निशा में आपका स्वागत है और आज की मेरी रेसिपी है मसाला मशरूम। फ्रेंड्स, ये मशरूम इस सीजन में बहुत अच्छा आता है, तो आज मैं आपको ये रेसिपी के साथ साथ कुछ इसके बेनिफिट्स बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप ऐसी और कौन कौन सी मशरूम की रेसिपी देखना और सीखना चाहते हैं, और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको दबाएं, जिससे कि आपको मेरी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और इस मशरूम मसाला के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मशरूम, 2 मीडियम लंबी कटी हुई प्याज, 2 मीडियम ग्रेटेड टमाटर, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी, 2 बड़े चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और 4 बड़े चम्मच तेल। मशरूम को मैंने हल्के से गुनगुने पानी में भिगो कर रख दिया है और फिर इसे हम काट लेंगे। तो अब मैं कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल डालकर उसे गर्म करूंगी और अब हम इसमें जीरा डालेंगे और जैसे ही जीरा हल्के से चटकने लगे कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। गैस की आंच धीमी रखें और अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको भी भून लें। मीडियम फ्लेम में 1 से 1.5 मिनट में आप देखेंगे कि ये अच्छे से भुन गया है और ये गुलाबी भी हो गया है हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे, सभी को अच्छे से मिला लें। इस प्याज को हमें हल्का सुनहरा होने तक भूनना है, तो आप इसको बीच बीच में चलाते रहें और इसको भूनने दें। तो जब तक मेरा प्याज भून रहा है, मैं टमाटरों को ग्राइंड कर लूंगी। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम टमाटर को ग्राइंड कर लिया है और उसका पेस्ट बना लिया है। मीडियम फ्लेम में आप 5 मिनट में देखेंगे कि प्याज यहाँ पे सुनहरी हो गई है। तो अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और उसको भी इसमें मिला लेंगे। और अब इसमें 2 छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च और आधी छोटी चम्मच हल्दी डालकर इन सबको आपस में मिला लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिला लें और इसे तेल छोड़ने तक पकाएं। मशरूम जो है सर्दियों के सीजन में बहुत आसानी से सब्जी मार्केट में मिल जाता है और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और आयरन होता है, और ये जो विटामिन सी और आयरन है हमारे बोन्स और हमारे टीथ के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है उन्हें मशरूम ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में लेना चाहिए। तो हम मशरूम को काट रहे हैं, इसके लिए मैंने इनको थोड़े बड़े बड़े पीसेस में ही काटा है और इसी तरीके से मैंने सभी मशरूम को काट लिया। लगभग 5 मिनट में आप देखेंगे मसालों ने तेल छोड़ दिया है, तो अब हम इसमें कटे हुए मशरूम डालेंगे। मशरूम ज्यादातर सर्दियों की सीजन में ही आता है और इससे बहुत सारे स्नैक्स भी बना सकते हैं और आप ग्रेवी वाली सब्जी तरह तरह की भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया, आप अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसे कम या ज्यादा डाल सकते हैं। मैंने लगभग आधा कप पानी डाला है और अब इसे ढककर पकाएंगे। थोड़ा इसका मुंह खुला ही रखें। 5 मिनट में मीडियम फ्लेम में आप देखेंगे कि सब्जी हमारी लगभग तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें खड़ा मसाला भी डाल सकते थे, क्योंकि हमने खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है, तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाला है। और 1 से 2 मिनट और पकाने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें। तो लीजिए, तैयार है इंस्टेंट मसाला मशरूम की सब्जी। आप इसमें मटर या कोई भी सीजनल वेजिटेबल जैसे कैप्सिकम भी डालकर इसे बना सकते हैं और आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। जैसे कि मैंने वीडियो के अंदर इसके बेनिफिट्स बताए हैं, तो ट्राई कीजिए और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर का खाएं, हेल्दी रहें। बाय बाय। मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।